नाउ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके जो भी रिजल्ट आए उसके बेसिस पे मेंडल ने लॉज प्रोड्यूस किए. उन्होंने पहले मोनोहाइब्रिड प्रोसेस करवाए जिनके रिजल्ट उनको क्लियर लगे, उसके बाद उन्होंने फिर डाईहाइब्रिड प्रोसेस स्टार्ट कर दिए. इन प्रोसेस के बेसिस पे उन्होंने लॉज प्रोड्यूस किए. जो फर्स्ट टू लॉज थे, टोटल थ्री लॉज उन्होंने प्रोड्यूस किए. जो फर्स्ट टू लॉज थे वो मोनोहाइब्रिड प्रोसेस के बेसिस पर थे, और जो लास्ट थर्ड लॉ था वो फिर डाईहाइब्रिड प्रोसेस के बेसिस पर था. अब कौन कौन से लॉज थे, तो लॉज ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कहा मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स प्रेजेंट हैं. एक एलील है टॉलनेस के लिए फॉर एग्जांपल, एक एलील है डॉर्फनेस के लिए, तो उसमें इसके फिनोटाइप में सिर्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. इसका जो फिनोटाइप होगा बाहर से ही जैसा दिखेगा, उसमें सिर्फ एक ही एलील का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरे एलील का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. दूसरा एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइप में इंडिविजुअल की, उसको उन्होंने कहा डोमिनेंट एलील, और शो किया कैपिटल लेटर्स में. और जो एलील अपने आप को शो नहीं कर पाता फिनोटाइप में उस ऑर्गेनिज्म के, उसको उन्होंने कहा रिसेसिव एलील, और डिनोट किया उसको फिर स्मॉल लेटर्स. So law of dominance states that even if there are two different contrasting alleles present in an individual, only one can express itself in its phenotype and other remains hidden. So one ही express कर पाएगा अपने आप को, other hidden. Now second law, law of segregation. Segregation states that even if there are two alleles present in an individual at the time of gamete formation, these two alleles segregate and only a single allele can reach to the gametes. Agar kisi individual mein two allele present hai, like all individuals have two alleles, फिर भी इनमें जब gamete formation का time आता है तो gametes जो produce होते हैं उनमें सिर्फ single allele ही जा पाता है. तो ये जो दो एलियल्स हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. एक तो एक एलियल में जाएगा एंड सेकेंड दूसरे एलियल में जाएगा. तो ये साथ साथ नहीं रहते हमेशा, ज़रूरी नहीं है जो दोनों एलियल्स हैं वो साथ साथ हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे. और दोनों गैमेट्स में, दो अलग अलग गैमेट्स में दो अलग अलग एलियल्स जाते हैं. अब ये कैपिटल्स हों तब भी ऐसी कंडीशन होगी, अगर हेटेरोज़ाइगस हो एनिमल तब भी कैपिटल टी सेग्रीगेट एंड स्मॉल टी सेग्रीगेट हो जाएंगे आपस में. एंड स्मॉल टी है तभी ये कंडीशन होगी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों एलील्स सेग्रीगेट हो जाए. तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नाउ थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, टू ट्रेड्स प्रेजेंट हैं जो कंट्रास्टिंग है, तो उनकी जो इनहेरिटेंस होगी वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी. एक एक कैरेक्टर की कोई इंडिविजुअल उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी. तो द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट इंटरफेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर. अगर दो कैरेक्टर्स की बात करें डाउन एंड सीड की बात करें, जो पी का सीड होता है, पी का सीड होगा या तो राउंड जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, या फिर होगा रिंग, ये रेसेसिव कैरेक्टर. तो कैपिटल आर जब भी प्रेजेंट होगा तब राउंड ही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी प्रेजेंट है तब भी राउंड ही होगा. बट जब स्मॉल आर जो रेसेसिव एलील्स हैं वो एक साथ प्रेजेंट हैं होमोजाइगस स्टेट में है, तब फिर जो प्रोड्यूस होंगी ऑफस्प्रिंग्स वो जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे फिर वो रिंग कर देंगे. ऐसे ही कैपिटल वाई है फॉर येलो सीड्स,
कैपिटल वाई होगा, जब भी कैपिटल वाई होगा मेरे स्मॉल वाई के साथ में तब येलो सीड्स ही प्रोड्यूस होंगी, और जब स्मॉल वाई दोनों साथ में है जैसे सिर्फ एलील्स होमोजाइगस स्टेट में है तब जाके फिर ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस होंगे। तो इन दोनों इस कैरेक्टर की जो का इनहेरिटेंस जो ये कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड्स, तो शेप ऑफ सीड का जो कैरेक्टर है उसकी इनहेरिटेंस कलर ऑफ सीड की इनहेरिटेंस को के बीच इंटरफेयर नहीं करेगी, इसको कोई अफेक्ट नहीं करेगी, ये अपनी इनहेरिटेंस अपने तरह से करेगा और ये बात दूसरा कैरेक्टर ही अपनी इनहेरिटेंस अब अपने तरह से करेगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है कि दो कैरेक्टर्स एक दूसरे की इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करते, ये अपने आप अपनी तरह से इनहेरिट हो जाएगा, ये अपने आप अपनी तरह से इनहेरिट हो जाएगा। अब कैसे होगा, उनको कैसे पता चला ऐसा होगा, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया पेरेंट्स के बीच में जो थी राउंड एंड येलो एंड ग्रीन कलर एंड ग्रीन। आप इसमें पहले हुआ क्रॉस पॉलिनेशन, फ्यूजन होगा, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उसमें आएंगे ये क्योंकि आर प्रेजेंट है कैपिटल तो राउंड होंगे सीड एंड कैपिटल वाई प्रेजेंट है इसलिए होंगे सीड्स येलो, तो ये होंगे राउंड एंड येलो एफ वन जनरेशन। अब एफ वन जनरेशन की करवाएंगे सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे फिर वो अलग अलग तरह के होंगे। आप देखो आप इसकी जो इनहेरिटेंस है उसकी इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं कर रही, कैसे नहीं कर रही, अब जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए अब इस केस में तो ये इसके साथ ही जा सकता था, ऑप्शन ही नहीं था, अब इस केस में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाला जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ ही गैमेट में जाए, जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं था तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही गया गैमेट में, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही गया गैमेट में क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर इसमें देखें तो ये वाला जो कैरेक्टर के जीन्स हैं ये वाले कैरेक्टर के जीन्स हैं कि दोनों एक दूसरे का अफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इस कैपिटल के साथ कैपिटल ही गैमेट में जाएगा और दूसरे गैमेट में फिर स्मॉल के साथ स्मॉल ही जाएगा, गैमेट में कैपिटल के साथ स्मॉल भी जा सकते हैं, एक कैरेक्टर के जो कैपिटल है उसके दूसरे कैरेक्टर के जो स्मॉल है दोनों साथ में जा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो इससे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे फिर सेल्फिंग करवाई, अब जरूरी नहीं है गैमेट्स जो प्रोड्यूस हों वो ऐसे ही हो कि कैपिटल आर वाई के साथ ही जाए और स्मॉल आर वाई के साथ, ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूस ये कंडीशन जरूरी नहीं है, अगर ऐसा होता तो कहते हैं अपन कि इसकी इनहेरिटेंस इसको अफेक्ट कर रही है, ये दोनों साथ में जा रहे हैं ये दोनों साथ में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है अफेक्ट नहीं करते, ये अपना जाएगा और ये अपना जाएगा तो ये किसी भी इन दोनों से किसी के साथ भी जा सकता है, वो जो प्रोड्यूस होंगे गैमेट्स इसके लिए देखें तो ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, ऐसे देखें तो स्मॉल के लिए स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, तो फोर टाइप ऑफ गैमेट बन सकता है। ऐसे वहाँ देखें तो सेम कंडीशन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा पॉलिनेशन जो होगा वो भी रैंडम प्रोसेस है, तो कोई सा भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज होके जायगोट फॉर्म कर सकता है, कोई भी कंपल्शन नहीं है कि ये वाला इसके साथ ही होगा या ये वाला इसके साथ ही होगा, कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है। आप इसमें क्रॉस से मान लो ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनका जो टाइप होगा ये
जियोटाइप पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, उनका फीनोटाइप होगा राउंड एंड ब्रिंग और राउंड एंड येलो। ऐसे ही इनका ये भी होंगे राउंड एंड येलो, ये वाले ये भी होंगे राउंड एंड येलो, ये वाले ये सारे राउंड एंड येलो होंगे। इसमें देखो ये भी राउंड एंड येलो, ये वाले। अब इस कंडीशन में कैपिटल आर कैपिटल आर है तो होंगे राउंड, बट स्मॉल वाय होमोजाइगस स्टेज में आ गया जैसे सिर्फ अलील, तो अब ये होंगे ग्रीन। नाउ कैपिटल आर ये भी होंगे राउंड एंड येलो, ये वाले भी, ये वाले होंगे अब राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि इसमें दोबारा स्मॉल वाय होमोजाइगस स्टेज। नाउ ये वाले राउंड एंड येलो, ये वाले राउंड एंड येलो, ये वाले। अब इसमें क्योंकि स्मॉल आर रिसेसिव होमोजाइगस स्टेज में है इसलिए ये वाले होंगे फिर रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ये वाले डिफरेंट हो गए और ये वाले भी फिर रिंकल्ड एंड येलो। नाउ ये वाले राउंड एंड येलो, ये वाले होंगे फिर राउंड एंड ग्रीन, वाले फिर रिंकल्स एंड येलो, वाले रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे जीनोटाइप तो बहुत सारे अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स हैं, किसी में कैपिटल दोनों कैपिटल आ रहे हैं, दोनों कैपिटल वाई हैं, किसी में एक कैपिटल आ रहे हैं, स्मॉल आ रहे हैं, एक कैपिटल वाई है, दूसरा स्मॉल वाई है, अलग अलग टाइप के जीनोटाइप। फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप में रिंकल्ड एंड येलो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो है रिंकल्ड एंड येलो। तो फिनोटाइप देखें, रिंकल्ड एंड येलो है 9 एंड राउंड एंड ग्रीन है 1, 2, 3, राउंड एंड ग्रीन 3 एंड रिंकल्ड एंड येलो 3 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1। उसका जियोटाइपिक जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:2:4:1:2:2:1। तो लर्न कर लेना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे कितने देख लो तो ऐसा है 1, ऐसे कितने देख लो तो ऐसे ही 2, ये और ये, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, बाकी लर्न करो तो लर्न कर सकते। तो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस। इसमें पता चला कि वन कैरेक्टर की इनहेरिटेंस अदर कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करती, इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस इसको अफेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है, ये कैपिटल आर इसके साथ ही जाएगा और ये स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा, कैसे भी जा सकते हैं गैमेट्स में, कैसे भी रैंडमली अरेंज होकर आ सकते हैं एलियस दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के, और फिर गैमेट का फ्यूजन होगा तो वो भी रैंडम प्रोसेस होता है, तो उसमें भी रैंडमली फ्यूज हो जाएंगे गैमेट्स और कैसे भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। इतनी सारी कंडीशन 16 कंडीशन में से कैसे भी हो सकते हैं।